मित्रों नमस्कार। परम पवित्र पवन पुत्र के सरीनंदन विजित हुआ महावीरन धाम के सन्निकट दृष्टि क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों आइए देखते हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जिसके कारण अभ्यर्थी बहुत परेशान रहते हैं और उनको किन किन बातों पर ध्यान देना है, कल की परीक्षा में आप कैसे परीक्षा भवन में प्रवेश करने के बाद किस प्रकार से आप जो है प्रश्न पत्र को हल करेंगे, तो हल करने से पहले क्या करेंगे आप देखिए। थोड़ा सा हम आपको मॉडल प्रश्न पत्र दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको मित्रों पूरा देख लीजिएगा। ये देखिए आपका ये सील पैक रहता है, यहाँ पर देखिए ये आपके पेपर्स हैं। ये देखिए मित्रों, सबसे पहले ये जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उस पर सबसे पहले देखिए रोल नंबर, आप रोल नंबर यहाँ भरेंगे। यहाँ पर रोल नंबर को जो है शब्दों में भरना है, यहाँ अंकों में भरना है, देखिए इस तरह से। और सबसे पहला ध्यान आप क्या देंगे मित्रों, देखिए समय का विशेष ध्यान देंगे। ढाई घंटे लिखा है यहाँ पर, देखिए समय क्या लिखा है, ढाई घंटे, दो घंटे, तीस मिनट, ढाई घंटे लिखा है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। नहीं तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि जो कि तीन घंटे मान करके पेपर को हल करते हैं और अंततः उनका जो है 30-35 क्वेश्चन छूट जाता है। और इधर देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर है आपका, यहाँ पर देखिए 533-6633, इस प्रकार से कुछ भी बुकलेट नंबर आपका हो सकता है। यहाँ प्रश्न पुस्तिका सीरीज है, सीरीज में ABCD XYZ WXQ कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक आपका 150 अंक का होगा, उसको आप जानते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे समय का। समय मित्रों आपको ढाई घंटे मिलेगा और प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न रहेंगे वो 150 प्रश्न, कहने का मतलब 30 प्रश्न साइकोलॉजी से अर्थात मनोविज्ञान, 30 प्रश्न हिंदी का, 30 प्रश्न संस्कृत का, यदि आपने संस्कृत नहीं लिया है तो 30 प्रश्न आपको अंग्रेजी करना होगा, अंग्रेजी नहीं लिया हो तो हो सकता है उर्दू करना पड़ेगा आपको, तो मनोविज्ञान का और पर्यावरण, ये हम प्रश्न पत्र ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो मित्रों सब कुछ ध्यान देते हुए सबसे पहला ध्यान आप देंगे कि ढाई घंटे, समय कितना है ढाई घंटे। इसके बाद देखेंगे ये जो सील है, ये देखिए मित्रों ये जो सील है यहाँ पर सील लिखा हुआ है, इसको आप खोलेंगे नहीं, इसको आप नहीं खोलेंगे जब तक आपसे कहा ना जाए। हाँ इससे पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे जो है इसके अंदर से OMR शीट निकालेंगे। मित्रों देखिए इसके अंदर से क्या निकालेंगे आप, OMR शीट निकालेंगे और इस प्रश्न पत्र के अंदर से OMR शीट निकालेंगे। तो ये हम मॉडल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से भरा हुआ है, लेकिन जो आपको OMR शीट मिलेगी वो भरा नहीं होगा, वो खाली होगा। तो मित्रों इस प्रकार से आप इसको निकाल कर बाहर कर लेंगे और इस सील को खोलेंगे नहीं तब तक जब तक आपसे कहा ना जाए। आइए मित्रों देखते हैं कि इस OMR शीट को हम किस प्रकार से भरेंगे। OMR आंसर शीट लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट, ये देखिए प्रथम पाली का है, यहाँ पर आप लिखा हुआ है फर्स्ट सेशन प्रथम पाली, अगर द्वितीय सेशन होगा तो सेकंड पाली लिखा रहेगा, द्वितीय सेकंड सेशन द्वितीय पाली, इस तरह से लिखा रहेगा। तो देखते हैं कैसे भरते हैं हम इसको। मित्रों देखिए ये आपका, थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, हल्का सा जूम करते हैं। तो मित्रों देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कॉलम बना है रजिस्ट्रेशन नंबर का, और ये कॉलम बना है आपका रोल नंबर का। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा। मित्रों रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से पहले आप चेक कर लेंगे कि ये जो जितने खाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 10 खाने बने हुए छोटे छोटे, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 अंकों का है। अगर आपका 10 अंकों का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए। अगर आपका 9 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर है और खाने 10 बने हुए हैं तो मित्रों आप लास्ट का एक खाना छोड़ देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं रोल नंबर। रोल नंबर मित्रों देखिए जितने भी खाने बने हुए हैं इस खाने को गिनिएगा,
और उस रोल नंबर को गिनिएगा कि उसमें कितने डिजिट हैं, उन उस डिजिट को गिन करके जो है आप इसमें फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में रोल नंबर आप फिलअप करेंगे। इतना ही नहीं मित्रों, इसके बाद देखिए कुछ लोग गलती करते हैं, पहली बार परीक्षा देने जाते हैं तो गलती करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक मॉडल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, 6100455553 मित्रों, 6 जो लिखा है तो आप इसी के, हाँ देखिए इसी के नीचे आएंगे, जहां आपको 6 मिलेगा उसी को आप गोला कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर 1 लिखा है, आप आएंगे इसी के इसी लाइन में जहां पर आपको 1 मिलेगा, मित्रों 1 यहां है, यहां गोला किया गया है। देखिए आपको शादी व मार्कशीट मिलेगी, आपको गोला करके नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पर आते हैं, देखिए 0, आप यहाँ 0 गोला कर दिए, 0 गोला कर दिए। 4 है तो इसी लाइन में आप आएंगे, 4 गोला करेंगे, इसी लाइन में गोला करेंगे मित्रों, किसी और लाइन में गोला करने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 5 है, आप इसी लाइन में 5 को गोला करेंगे, इसी लाइन में मित्रों, ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपको रोल नंबर में भी करना है, 6 है तो 6 इसी लाइन में, 1 है तो 1 इसी लाइन में, दूसरी किसी लाइन में आप नहीं करेंगे नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए मित्रों ये आप समझ गए होंगे कि इसमें भी कैसे करना है। अगर आप जरा सा भी भरने में ऊपर नीचे कहीं गलती किए तो क्या होगा, आपकी OMR शीट गलत हो जाएगी और दोबारा OMR शीट नहीं मिलेगी। और मित्रों व्हाइटनर लगाना भी नहीं है, व्हाइटनर की व्यवस्था नहीं है, अगर आप व्हाइटनर लगाएंगे तो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सावधानीपूर्वक भरिएगा। और इसके बाद देखते हैं मित्रों बुकलेट सीरीज, मान लीजिए आपकी सीरीज ए है, बी है, सी है, डी है, या XYZQ कुछ भी है, तो मित्रों देखिए ये बुकलेट सीरीज, देखिए यहाँ पर आपको ए मिला है, आप यहाँ पर ए को गोला कर देंगे, अगर ए को गोला कर देंगे, अगर डी मिला रहेगा तो डी को गोला कर देंगे। तो चलिए देखिए मित्रों, तो यहाँ पर अगर बुकलेट सीरीज ए है तो आप ए को गोला कर देंगे। लैंग्वेज सेकंड, अगर मित्रों आप सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत भरे हैं तो आप संस्कृत को गोला करेंगे, अगर आप उर्दू भरे हैं तो आप उर्दू को गोला करेंगे। इस प्रकार से यदि आप संस्कृत के अलावा अगर संस्कृत नहीं लिए हैं तो आप अंग्रेजी को गोला कर देंगे, जो भी आपका सेकंड लैंग्वेज होगा आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। तो मित्रों यहाँ पर मान लीजिए संस्कृत गोला कर दिया गया, चलिए नीचे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचे OMR शीट तिरछा करना पड़ेगा मित्रों, उपकरण के अभाव में थोड़ा सा वीडियो बनाने में परेशानी होती है, चलिए इसको भी सॉल्व किया जाएगा, हाँ समस्या का समाधान होता है अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो समस्या जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, तो मित्रों ये देखिए ये नीचे का पार्ट है, आपको एक बार सीधा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो मित्रों कैंडिडेट कोई और नहीं, जो परीक्षा दे रहा है वही कैंडिडेट है, तो नेम ऑफ कैंडिडेट, जिसे यहाँ पर एक मॉडल है कि ओम प्रकाश, मान लीजिए आपका नाम है, आपका नाम लक्ष्मी है, आपका नाम किरण है, आपका नाम रंजू है, आपका नाम कुछ भी है, जो भी आपका नाम होगा तो नेम ऑफ कैंडिडेट में आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेम ऑफ द फादर और ऐसे लिखा हस्बैंड, आप लिख करके लिखा हस्बैंड, तो यह आप हस्बैंड का नाम या फादर्स का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा, आप हस्बैंड के नाम से यदि भरे हैं फार्म तो आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अन्यथा आप फादर्स का नाम लिख देंगे अगर फादर्स के नाम से भरे हैं। चलिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर मान लीजिए सागर मेमोरियल लिखा है, आपका संत तुलसीदास होगा, किसी का गणपत सहाय होगा, किसी का KNIPSS होगा, तो जहाँ पर जो भी होगा मित्रों आप उस सेंटर का नाम यहाँ शॉर्ट कट में भरेंगे, क्योंकि जगह कम रहता है यहाँ पर। ये बगल वाला कलम लिखिए नेम ऑफ द मदर, आपका अपनी माता का नाम लिखें, जैसे इनकी माता का नाम मीरा देवी है तो ये मीरा देवी लिखें। यहाँ पर मित्रों देखिए कैटेगरी स्पेशल, अगर कोई कैटेगरी है जैसे OBC हैं, SC हैं, जो भी है आप यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे।
यहाँ पर मित्रों सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर विथ इन बॉक्स, इस बॉक्स में इन्विजिलेटर मतलब जो आपकी कमरे में ड्यूटी करता होगा ऐसे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। तो यहाँ पर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे, कभी कभी कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं हस्ताक्षर यहाँ कर देते हैं, मित्रों थोड़ा सा सावधानी बरतना है। यहाँ पर देखिए आपको जहाँ हस्ताक्षर करना है, आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को, जहाँ आपको हस्ताक्षर करना है लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ एन बॉक्स विथ द बॉक्स, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट आप हैं, तो यहाँ पर देखिए ओम प्रकाश जी हैं, तो यहाँ पर ओम प्रकाश जी ने अपना साइन किया है, सिग्नेचर किया है हिंदी में, या आप अंग्रेजी में करते हो या आप उर्दू में करते हो, जैसे भी करते होंगे। तो मित्रों देखिए, और मित्रों लास्ट में ये भरना जरूर मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा इसको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट इन वर्ड, और यहाँ पर क्या लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, यह देखिए 150 क्वेश्चन मित्रों, 150 इसलिए भरा है कि 150 क्वेश्चन आप करके आइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है मित्रों, माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप निश्चित रूप से 150 क्वेश्चन पूरा करिएगा। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आप लिख किए रहेंगे, तो आप यहाँ 150 लिखना पड़ेगा 150, और मित्रों उसी को यहाँ पर चाहे आप हिंदी में लिखते हैं या अंग्रेजी में लिख दें, तो वहाँ यहाँ पर भी जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए रहेंगे उसको लिखना पड़ेगा मित्रों, इतना ज़रूर ध्यान देना है। आइए देख लेते हैं पीछे कुछ है कि नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं, कभी कभी ओएमआरशीट में पीछे भी कुछ भरना पड़ता है। तो थोड़ा सा देखिए मित्रों, पीछे ये जो ओएमआरशीट है 2018 की परीक्षा का है, इसमें नहीं लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा, पीछे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो आप उसको भर दीजिएगा, नहीं तो इतनी जानकारी मित्रों ज़रूर आप रखिए, ताकि आप परीक्षा में कभी गलत करके ना आए, क्योंकि यदि आप भरने में गलती नहीं किए हैं, यदि आप भरने में गलती नहीं किए हैं तो मित्रों क्या होगा, अगर आप भरने में कोई गलती नहीं किए हैं, कोई त्रुटि नहीं है भरने में, समझ लीजिए कि आपका आधा प्रश्न पत्र साल्व हो गया, क्योंकि आप भरने में यदि त्रुटि कर दिए तो कितना भी आप 150 क्वेश्चन कर लीजिए, 140 प्लस जाइए, कोई मतलब नहीं है उसका, जब आपका यहीं भरने में कहीं गलती हो जाएगी तो कोई उसका मतलब नहीं है मित्रों। तो मित्रों जानकारी समझ गए होंगे, यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ संध्या।